नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह होंगे। आइए डालते हैं आज की क्या है खास खबर। हम खबरों की शुरुआत उस खबर से करते हैं जिसका अपडेट जानने के लिए हर तालबेट वासी आतुर है। आज रात में जब एक खबर मिली कि तालबेट के समीप हाईवे पर एक महिला मृत अवस्था में मिली है, पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तालबेट क्षेत्र अंतर्गत माता टीला रोड मंडी के पास हाईवे पर एक अज्ञात महिला का शव की सूचना और कहीं न कहीं इस पूरे मामले पर पुलिस पूरी एक्शन मोड में आई और पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक खुद घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने क्या कहा, आइए यह भी हम आपको सुनवाते हैं। अभी इसकी शिनाख्त के लिए जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं। फोरेंसिक की टीम के माध्यम से जो है हमने यहाँ का सारा एविडेंस जो है वो इकट्ठा किया है। आज सुबह में भी सुबह 4 बजे एक लगभग 10 महीने की बच्ची जो है वो मिली थी, जिसको सकुशल जो है बरामद किया गया था और वो उसका स्वास्थ्य जो है बच्ची का उसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम लोग जो है इस चीज़ को भी वेरीफाई कर रहे हैं कि जो बच्ची हमें 10 महीने की जो मिली है उसका और इस महिला के साथ जो है क्या संबंध है और ये कहाँ की महिला है जो कि यहाँ पर हमें मिली है। इन सभी बिंदुओं की जो है गहनता के साथ हमें लोग जांच जो है वो कर रहे हैं और जांच उपरांत जो है इसमें आगे की जो भी जानकारी होगी वो हम आप लोगों को देखिए। अभी तक चूँकि जो बच्ची मिली हुई है और उसके साथ महिला है तो ये भी संभव है कि कोई साथ में जो है कोई व्यक्ति था इनके और हो सकता है कि परिचित भी हो सकता है, लेकिन चूँकि अभी फाइनली हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं कि इसमें हुआ क्या है। चूँकि यहाँ पे फुटेज भी है, फुटेज भी हम लोग दिखवा रहे हैं और एक एक बिंदुओं की हम लोग सघनता से इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रहे हैं। हमारी पहली प्राथमिकता इस इनकी पहचान जो है वो करना है और दूसरी प्राथमिकता हमारी उस जो बच्ची हमें मिली है उसका और इनके बीच का जो है यदि डायरेक्टली कोई संबंध है तो फिर कोई ना कोई व्यक्ति इनके साथ और भी था, हो सकता है कोई परिचित भी हो सकता है। तो उन सभी बिंदुओं की हम लोग जाँच जो है वो कर रहे हैं और जैसा भी अपडेट होता है वो हम लोग आप लोगों को बताएंगे। मेरा किसी में सब चोट के निशान कहाँ कहाँ है? देखिए बहुत ही मामूली चोट जो है वो है, ऐसा लग रहा है कि जैसे केवल एक चेहरे पे जो है हल्की सी निशान जो है वो है। तो ऐसा लग रहा है कि महिला का जो है गला दबा करके जो है उसके साथ जो है घटना जो की गई है। तो सभी बिंदुओं की हम लोग जो है जाँच कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही इसका अनावरण जो है। हमारे मंत्री जनपद ललितपुर राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ एवं हज उत्तर प्रदेश दानिश आजाद अंसारी ने आज जनपद ललितपुर प्रथम भ्रमण के दौरान प्रशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित वृहत रक्तदान शिविर में प्रतिभाग कर चिकित्सालय का निरीक्षण किया व केक काटकर कन्या जन्मोत्सव मनाया। इस दौरान उन्होंने फीता काटकर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया तथा रक्तदाताओं का उत्साह वर्धन किया। इस अवसर पर सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, जिला अध्यक्ष भाजपा राजकुमार जैन, राज्य मंत्री प्रतिनिधि चंद्रशेखर पंत सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। अधिकारियों में जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर डीनाथ, CMS डॉक्टर मीनाक्षी सिंह, जिला प्रोविजनल अधिकारी नंदलाल सिंह एवं अन्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री ने कहा कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का 74वां जन्मदिवस है। इस उपलक्ष्य में पूरे देश में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियां संपादित की जा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर सांसद अनुराग शर्मा के संसदीय क्षेत्र जखौरा स्थित हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित सुंदरकांड में प्रसाद वितरण कार्यक्रम में उनकी धर्म पत्नी श्रीमती पूनम शर्मा सम्मिलित हुई। पहलवान गुरुदीन प्रशिक्षण महाविद्यालय पनारी ललितपुर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में भगवान विश्वकर्मा की पूजा के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का शुभारंभ पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के संस्थापक डॉक्टर पारसनाथ यादव, डॉक्टर सौरभ यादव, प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर महेश कुमार झा एवं इतिहास विभाग अध्यक्ष असिस्टेंट प्रोफेसर गंगाराम विश्वकर्मा ने माँ सरस्वती और भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर किया। तालबेहट नगर पंचायत कार्यालय पर तालबेहट नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहान ने तालबेहट की बेटी आर्मी स्कूल की प्रिंसिपल रंजना पांडे का शील्ड देकर सम्मान किया। रंजना पांडे पिछले 14 वर्षों से लगातार आर्मी पब्लिक स्कूल में ही एक अध्यापक का कार्य करती आ रही थी। अब वर्तमान में आर्मी पब्लिक स्कूल तालबेहट में प्राचार्य के पद पर पदस्थ है। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बच्चों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहार द्वारा सम्मानित किया गया।
इस दौरान पुनीत सिंह परिहार ने बताया कि रंजना पांडे एक किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं और उनके कठिन परिश्रम की बदौलत आज वह इतने अच्छे मुकाम पर पहुंची हैं। यह हम सब तालबेहट वासियों के लिए गौरव की बात है। जैसे तालबेहट की बेटी आर्मी स्कूल की प्रिंसिपल रंजना पांडे को आज तालबेहट नगर पंचायत कार्यालय में तालबेहट नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहार ने सम्मानित किया और ये आप तालबेहट वासियों के लिए एक गर्व की बात है कि रंजना पांडे तालबेहट की ही बेटी। भाव से गणपति महोत्सव पूर्ण हुआ और उसके बाद अगले वर्ष तू जल्दी आ की कामना के साथ गणपति विसर्जन भी धूमधाम से किया गया। यह गणपति महोत्सव गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्थी तक चला। इन दिनों में विधिवत तरीके से प्रथम आराध्य पूज्य भगवान गणेश की भक्ति की गई और उसके बाद आज अनंत चतुर्दश को भगवान श्री गणेश का विधिवत तरीके से विसर्जन कर दिया। सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरी से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।